हेलो गाइस, आई एम सीए सत्यरंजन स्वाइन। आप लोग कैसे हैं? नर्वस या एक्साइटमेंट? क्योंकि दो दो पेपर है, एक तो जीएसटी, उसके ऊपर इनकम टैक्स है। दो दो पेपर कैसे रिवाइज होगा 1.5 डेज? डोंट वरी, आपके लिए मैं साइंटिफिक रिवीजन स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जिसमें आप दो दो बार रिवाइज कर पाएंगे। दो दो बार, हाँ मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, दो बार रिवाइज खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें आपको पूरा ही 100% कवरेज आपका सिलेबस हो जाएगा। टेंशन मत लो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बार ही रिवीजन नहीं कंप्लीट करके जा पाते हैं, इसलिए कुछ चैप्टर, इम्पोर्टेंट चैप्टर, बड़ा बड़ा चैप्टर छोड़ देते हैं। आप लोगों को ऐसे करने नहीं दूंगा, आपको पूरा ही रिविजन स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसमें आप दो दो रिवाइज करेंगे। जब आपका एग्जाम खत्म होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर और जो भी पहले जो पेपर है, तीनों पेपर उसको भूल जाए, जो भी हुआ है वो सबके लिए सेम ही होगा। बट ये पेपर अगर आप अच्छे से लेंगे ना, ये पेपर आपको पास करा सकता है। अगर वो तीनों पेपर अगर भी खराब होगा तो उसको भी ये सेटअप करके पास दिला देगा। इतना आप इसमें कॉन्फिडेंट लाना चाहिए, ठीक है। एंड ये जो फर्स्ट ग्रुप बच्चे के लिए ये लास्ट पेपर, इसीलिए जो भी जोश है इसमें सब उतार दीजिए। तो जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर एग्जाम देके आएंगे तो किसके साथ भी डिस्कशन नहीं करेंगे, फ्रेंड के साथ, क्योंकि वो सब डिमोटिवेट कर देते हैं कि ये पेपर अच्छे गया है, मेरा ये क्वेश्चन तुम किया है या नहीं किया है। उनको ही आंसर नहीं पता है, आप लोगों को कैसे बताएंगे ये मेरा सही था है, वो वाला नहीं, तुम्हारा गलत है, क्योंकि पेपर सब नया आता है, सेम नहीं आता है पैटर्न। और वो बोलेंगे कि मेरा ये सही है, आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे, इसलिए किसके साथ भी डिस्कशन नहीं करना है, जो गया वो गया, ठीक है। तो जब एग्जाम आओगे, मैं अजूम कर रहा हूँ कि आप लोग 6 या 6:30 बजे आ जाओगे, घर में पहुंच जाओगे। उसके बाद आप अच्छे से खाने के बाद एक नैप ले लेना, एक घंटा का नैप लेने के बाद, और ये आपका 10 दिसंबर में है जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर। उसके बाद 8 PM से आप बैठ जाना, ठीक है, 8 PM से आप बैठ जाना। जो भी इजी चैप्टर है आपका, इजी चैप्टर क्या है, जीएसटी का पहला जो 2-3 चैप्टर है एंड इनकम टैक्स का भी 2 चैप्टर है, उसको हम खत्म करेंगे। क्योंकि अगर वहां पे आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, वो जो 4 घंटा है, ठीक है, हम 4 घंटा रखते हैं, वहां पे अगर आप अच्छे से रिवाइज कर देंगे ना, तो उसका बाद वाला डे जो मिडिल आता है डे, वो आपके लिए थोड़ा हल्का हो जाएगा एंड आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे एंड आपका स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से ही चलेगा। इसीलिए जिस दिन एग्जाम लेके आएंगे ना, वहां पे आप उस दिन को वेस्ट मत करना है, हमको वहां पे 4 घंटा पढ़ना है, ठीक है, 4 घंटा पढ़ना है। और बच्चे क्या करते हैं, उस दिन को ऐसे ही हल्के से ले लेते हैं, 1 या 2 चैप्टर, एक ही चैप्टर खत्म नहीं करते हैं, बोलते हैं कल करेंगे, नहीं तो सुबह उठकर करेंगे, सुबह नहीं उठ पाएंगे, ठीक है, सुबह नहीं उठ पाएंगे, ऐसे ही चला जाएगा। जब एग्जाम से पहले दिन रात को, तब दिमाग में आएगा कि कुछ नहीं खत्म हुआ है, तो रात भर ऐसे ही पढ़ेंगे और एग्जाम खराब करके आएंगे। क्योंकि अगर रात में नहीं सोएंगे तो कैसे, दिमाग में तो कुछ प्रोविजन क्लिक नहीं होगा, इसीलिए आपका एग्जाम खराब हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम जिस दिन एग्जाम है उस दिन हम 4 घंटा पढ़ाई करेंगे। 4 घंटा में क्या पढ़ाई करेंगे, पहले हम इनकम टैक्स नहीं उठाएंगे, पहले जीएसटी उठाएंगे, क्योंकि जीएसटी आपका अच्छा होगा एंड उसका पहले जो 3 चैप्टर है, ठीक है, 3 घंटा हम पहले जो 3 चैप्टर के लिए देंगे। पहला कौन सा चैप्टर है, सप्लाई चैप्टर, पहले सप्लाई चैप्टर को उठाइए। उसके बाद लेवी एंड कंपोजिशन आरसीएम तीनों को एक साथ खत्म करिए, क्योंकि सेक्शन नंबर 9 एंड 10 एंड एक नोटिफिकेशन उसको खत्म करिए जो कि आरसीएम का है। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन चैप्टर को जाइए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से देके खत्म करके आते हैं, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर को उठाते हैं, इसको ही एग्जाम के दिन ही यही चला जाता है, खत्म नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इंट्रोडक्शन चैप्टर थोड़ा लेंथी है, जो टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए इसको एंड में रखोगे, जो 3 चैप्टर का एंड में रखोगे। क्योंकि अगर आपका पहला 2 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन चैप्टर टाइम ही नहीं लगेगा, 5 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसको कैसे रिवाइज करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो बहुत सारा टीचर क्या बोलते हैं, फैकल्टी क्या बोलते हैं, हमारा जो रिविजन वीडियो इसको सुन लीजिए, अगर आप उसको सुनेंगे तो आप क्या करेंगे, आप तो ओनली सुनिए। तो बहुत सारा टीचर या फैकल्टी क्या बोलते हैं, हमारा रिवीजन वीडियो खत्म कर लो, आपका हो जाएगा। बट आप क्या कर रहे हैं, आप ओनली सुन रहे हैं, आप क्या रिकॉल कर रहे हैं, आप तो कुछ रिकॉल नहीं करेंगे,
तो इसीलिए मैं जब स्टूडेंट था मैं अपने स्टूडेंट को भी बोलता रहता हूँ कि आप ऐसे रिविजन करिए कि आपका दिमाग में होना चाहिए सब चीज, ना कि फैकल्टी तो बोलते रहेंगे आपका दिमाग में क्या आएगा। मेरा भी बहुत सारा रिविजन वीडियो है, मैं तो बोल सकता हूँ कि हाँ मेरा वीडियो देख लो, नहीं आप जो भी पढ़े हैं उसको रिकॉल करिए। रिकॉल अगर कर लेंगे ना तो वो आपका हो गया, क्योंकि आप बिना पढ़े हैं आपका रिकॉल हो रहा है तो वो पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, वो कभी भी नहीं भूलेंगे, एग्जाम के टाइम भी नहीं भूलेंगे। इसलिए आप रिकॉल करिए, रिकॉल करेंगे तो ये जो सप्लाई लेफी कॉम्पोजिशन आरसीएम इंट्रोडक्शन ये सब 5-10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। लगभग 20 मिनट में आपका ये तीनों चैप्टर हो जाएगा रिविजन, उसके बाद जो 2.5 घंटा बचेगा आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ये टाइम लिमिट आपको फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपका 2 बार रिविजन हो पाएगा, नहीं तो 2 बार नहीं हो पाएगा, 1 बार भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपको टोटल 22 आवर्स एंड 30 मिनट्स मिलेगा ये 1.5 दिन के अंदर, मैं आपको एंड में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप पहले तीनों चैप्टर को रिकॉल करिए। जो भी रिकॉल हो जाता है तो वो तो आपका हो गया है, जो रिकॉल नहीं हो रहा है तो उसको आप देख सकते हैं एक बार, एंड वहीं पे आपका हार्डवर्क लगाइए उसको, जैसे एग्जाम में लिखने के लिए आपका ऐसा तगड़ा होना चाहिए रिविजन कि रिकॉल हो पाएगा। मेरे जो स्टूडेंट उनका हो पाएगा, क्योंकि हम क्लास में ही 7-8 बार रिविजन करते हैं। आप भी टेंशन मत लीजिए, एग्जाम के टाइम आपका भी सब प्रोविजन हो गया होगा, तो आप पहले कैसे रिकॉल करेंगे, पहले बुक उठाइए, बुक मत खोलिए, इसे बैठकर रिकॉल करिए क्या क्या है उसमें टॉपिक है। जैसे सप्लाई चैप्टर सेक्शन नंबर 7 है, सेक्शन नंबर 8 है, उसके बाद सेक्शन नंबर 7 में 3 शेड्यूल है एंड सप्लाई कैसे होगा ये सब है, एंड 2-3 क्लैरिफिकेशन है, एंड सेक्शन नंबर 8 मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई, इसे ही रिकॉल करिए तो आपका पूरा हो जाएगा 5-10 मिनट में, एक एक चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद ये 3 घंटे में आपको 3 चैप्टर खत्म करना है, रिकॉल करेंगे तो आपका 3 चैप्टर आधा घंटा में हो जाएगा एंड वो पूरा ही दिमाग में बैठ जाएगा एंड 2.5 घंटा आपको क्वेश्चन करने के लिए मिल जाएगा। अगर आपका पूरा चैप्टर याद नहीं होता है तो वो चैप्टर को चले जाइए एंड उस पेज को चले जाइए, ये पेज में क्या क्या है उसको रिकॉल करिए, ठीक है, एंड जो रिकॉल नहीं हो रहा है उसमें थोड़ा आपका हार्डवर्क लगाइए, उसमें ही टाइम दीजिए, नहीं तो फैकल्टी बोलेंगे आप सुनिएगा क्या होगा, फैकल्टी का ज्यादा बार रिविजन होगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको एक्टिव मोड में होना चाहिए, ना कि पैसिव मोड। जब फैकल्टी बोलते हैं तो आप वहां पे पैसिव मोड में रहते हैं, बट आप जब रिकॉल करेंगे तो वहां पे आप एक्टिव मोड में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 11 PM से 12 AM तक जो 1 घंटा मिलता है उसमें इनकम टैक्स का जो पहले जो चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड बेसिक एंड टैक्स रेट, उस चैप्टर तो आपका अच्छे से हो गया होगा एंड उसको 10-15 मिनट लगेगा वो रिकॉल हो जाएगा एंड आप उसके बाद इसका क्वेश्चन जो भी है उसको देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छा सा नींद लेना है, क्योंकि आप अगर स्लीप अच्छे से नहीं लेंगे तो उसका नेक्स्ट डे आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको 6.5 घंटा का स्लीप लेना है एंड नेक्स्ट दिन में लेना है 1/2 घंटा का, तो इसलिए आपको 6.5 घंटा स्लीप अच्छा स्लीप लेना है। उसके बाद जब उसका नेक्स्ट डे 11 दिसंबर आप 6:30 बजे उठना है एंड 7 बजे तक जो भी होमवर्क है या खाना या नाश्ता सब खत्म कर लीजिए। उसके बाद 7 बजे से 10 बजे तक आप बैठ जाइए, 3 घंटा आपको मिलेगा, उसमें आप क्या करेंगे जीएसटी को खत्म करेंगे, क्योंकि जीएसटी पहले खत्म कर लीजिए वो पार्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट क्या करते हैं पहले इनकम टैक्स उठाते हैं उसमें ही सब टाइम लगा देते हैं तो जीएसटी को टाइम नहीं बचता है, ऐसे सिलेक्टिव पढ़ के चले जाते हैं। आप एक चीज याद रखिए, जीएसटी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स से जीएसटी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए आप जीएसटी में इतना टाइम लगाइए जितना इनकम टैक्स में लगाते हैं। मेरा मतलब नहीं है कि जीएसटी जितना टाइम इनकम टैक्स उतना टाइम, नहीं, इनकम टैक्स को जैसे 60 मार्क के लिए आप 60% टाइम देते हैं अलग करते हैं, जीएसटी को वैसे 40 मार्क के लिए 40% टाइम अलग करना चाहिए। तो उसके बाद 7 से 10 बजे तक 3 घंटा मिलेगा सुबह का टाइम, अच्छा आपका दिमाग भी फ्रेश होगा, उस टाइम आप छोटे छोटे चैप्टर को निपटा लीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर ज्यादा टाइम नहीं लगता है बट इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब चैप्टर, एग्जाम्पल चैप्टर, ये सब एग्जाम्पल चैप्टर को आप लॉजिक वाइज पढ़ेंगे। मेरे स्टूडेंट का तो ये वाला चैप्टर हो गया होगा क्योंकि हम ज्यादा बार ही रिविजन करते हैं, तो आपका भी हो गया होगा क्योंकि आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, जो भी पढ़े हैं आप
उसको ही रिवाइज करिए, नया चीज नहीं पढ़िए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन चैप्टर, इनवॉइस चैप्टर, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर, रिटर्न चैप्टर। और एक बार आप याद रखिए, ये जो क्वेश्चन आएगा आपका केस स्टडी बेस, ये एक चैप्टर में नहीं आएगा, ये दो तीनों चैप्टर को घुमा के पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। ये लिंक करके पूछेगा, जैसे आरसीएम के साथ एग्जेम्पशन, उसके साथ आईटीसी या वैल्यूएशन, उसको घुमा के पूछेगा, तीनों तीनों या दो चैप्टर को लिंक करके पूछेगा क्वेश्चन। आप उसके लिए तैयार होके जाना है आपको, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट उतना टैगडा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये पांचों चैप्टर को खत्म करने के बाद आप नहा लेना एंड ब्रेकफास्ट कर लेना। उसके बाद आप 10:30 से 1 बजे तक आपको 2.5 घंटा मिलेगा, उसमें आप मेन जो जीएसटी का चैप्टर है वैल्यूएशन, आईटीसी एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, क्योंकि आईटीसी के साथ पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर का लिंक है, इसलिए ये दोनों चैप्टर एंड वैल्यूएशन, इस चैप्टर तीनों चैप्टर को आपको कंप्लीट रिवाइज करना है, एंड इसमें आपको एक क्वेश्चन मिनिमम हाथ से सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद 1 PM से 2 PM वहां पे आपका लंच खत्म करना है, एंड एक आधा घंटा का नैप लेना है, मीन्स स्लीप लेना है छोटा सा आधा घंटा का, क्योंकि आप रात में 6.5 घंटा सोए होंगे एंड दिन में आपको आधा घंटा स्लीप लेना है, क्योंकि खाने के बाद अगर थोड़ा नैप ले लेंगे ना तो आपका एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाएगा ज्यादा, तो इसीलिए आप छोटा सा नैप ले लेना। उसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक इनकम टैक्स को आ जाना है, यहाँ पे ओवरहेड को खत्म करना है, मेजर ओवरहेड को खत्म करना है, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, यहाँ पे ओनली हेड्स को खत्म करना है, ना कि पूरा टोटल इनकम को। टोटल इनकम के लिए हम दूसरा टाइम आपको प्रोवाइड करेंगे, बट यहाँ पे ओनली पीजीबीपी पार्ट आपको खत्म करना है, ना कि टोटल इनकम। टोटल इनकम के लिए आपको बाद में टाइम मिलेगा, बट यहाँ पे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ये 4 घंटा में 4 चैप्टर को खत्म करना है, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे तो और एक बार रिविजन करने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे 4 घंटे में ये चारों चैप्टर खत्म करना है। उसके बाद आपको 6 बजे से 6:30 बजे तक नाक ब्रेक लेना है, और कोई भी गाना सुन सकते हैं या योगा मेडिटेशन कर सकते हैं 5-10 मिनट के लिए, आपके लिए आधा घंटा यहाँ पे मिल रहा है टाइम, ठीक है। उसके बाद 6:30 से 9:30 बजे तक यहाँ पे मेजर चैप्टर खत्म करना है, जैसे रिडक्शन, टोटल इनकम, टीडीएस एंड रिटर्न फाइलिंग, क्योंकि टीडीएस, रिटर्न फाइलिंग ये दोनों लिंक है, तो इसलिए ये दोनों को खत्म करना है, ये दोनों को एक चैप्टर में मानता हूँ, एंड डिडक्शन एंड टोटल इनकम। टोटल इनकम का क्वेश्चन कुछ मेजर 10 क्वेश्चन देख लेना एंड एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मिनिमम एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि वो आपका केस स्टडी बेस आता है, प्लस आपका एक क्वेश्चन आता है, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको टोटल इनकम का क्वेश्चन एक सॉल्व करने जाना है। एंड डिडक्शन, डिडक्शन भी आपका इतना सेक्शन नहीं है, वो भी हो जाएगा। उसके बाद 9:30 से 10 बजे तक आपको डिनर खत्म करना है, आधा घंटा वहां पे मिलता है। उसके बाद 10:00 से 12:00 बजे तक 2 घंटे में आपका जो भी अदर चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर है इनकम टैक्स का, जैसे एग्जेम्प्ट इनकम, एग्रीकल्चरल और इनकम व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, उसके बाद अदर सोर्सेस, जॉबिंग एंड सेटअप, इसको 2 घंटे में खत्म करना है, आधा घंटा लेना है एक एक चैप्टर को, क्योंकि इसका रिविजन 5-5 मिनट लगेगा रिकॉल करने के लिए, एंड जो भी बचेगा टाइम 5-5 मिनट मीन्स आपको 20 मिनट में पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। उसके बाद आप जो भी टाइम बचेगा उसमें क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद 12 बजे से आपको सो लेना है। उसके बाद सुबह जब उठोगे, जिस दिन एग्जाम है आपका, तो वहां पे आधा घंटा सुबह लगेगा जो भी होमवर्क है एंड जो भी फ्रेश होना है। उसके बाद 7:00 से 11:00 बजे तक ये आपका पूरा, जब 11 तारीख में आपका पूरा ही रिविजन हो गया होगा, सिलेबस दोनों बुक का पूरा सिलेबस रिविजन हो गया होगा अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। उसके बाद आप जब एग्जाम डेट है 12 तारीख को, उस सुबह उठ के 7:00 से 11:00 बजे तक आप पहले आरटीपी देख लेना। आरटीपी कंपल्सरली आपको देखना है, क्योंकि आरटीपी से आपका एमसीक्यू आ जाता है, केस स्टडी का एक क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए आरटीपी कंपल्सरली देखना है, क्योंकि केस स्टडी उसी से आता है, जो आपका केस स्टडी नंबर 2 वो आता है आरटीपी से। सेम तो नहीं आएगा, बट लगभग सिमिलर आ जाता है, तो आरटीपी पहले देखना है दोनों पेपर का, बोथ जीएसटी एंड इनकम टैक्स का। उसके बाद 2.5 घंटा प्लस ट्रैवलिंग टाइम, जो भी ट्रैवलिंग करेंगे टाइम, तो उस टाइम में प्लस 2.5 घंटा पूरा ही रिविजन करना है, क्योंकि अगर आप रिकॉल करेंगे ये जो कॉन्सेप्ट सब, आपका 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट लगता है टाइम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम
10 मिनट लगता है चैप्टर वाइज, तो इसलिए आप उसमें रिकॉल कर सकते हैं 2.5 घंटे में पूरा अच्छे से रिकॉल हो सकता है। अगर कोई भी चैप्टर छूट जाता है तो आप ट्रैवलिंग टाइम में देख लेना। तो यहाँ पे टोटल आपको मिलता है 22 आवर्स 30 मिनट मिलता है, उसमें आप 2 बार रिविजन हो जाएगा प्लस आपका RTP कम्प्लीट हो जाएगा। और एक चीज, आपका जो MCQ है उसका टेंशन मत लो, क्योंकि MCQ अगर आप उसका कॉन्सेप्ट आपका सही है तो आपका MCQ कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि MCQ डायरेक्ट कुछ नहीं आता है, कुछ भी डायरेक्ट नहीं आता है। बहुत सारा टीचर MCQ 1000 2000 500 700 MCQ दे देते हैं, उसमें आप टाइम मत गवाइए, क्योंकि MCQ आपका इजी लेवल का नहीं आता है, आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQ आता है। इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट इतना टकरा होना चाहिए कि आप कोई भी MCQ आए उसको कम्प्लीट कर पाएंगे। प्लस आपको ये जो RTP में जो भी MCQ है उसको देख लेना है, उसमें एक आ जाएगा तो वो बहुत बड़ा बात है, बट आपका केस स्टडी बेस आता है RTP से। ये आपका पूरा 2 बार रिविजन हो गया प्लस RTP खत्म हो गया है। उसके बाद आपको 3 घंटा कैसे अच्छे से उसको यूटिलाइज करना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। 3 घंटा कैसे आप यूटिलाइज करेंगे एग्जाम हॉल में, उसके लिए पहले जो 15 मिनट उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे उसको देख लीजिए, क्योंकि 15 मिनट आपका डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा या मैं उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा होगा, रैंक आएगा या रैंक नहीं लाएगा, या आपका एग्जामिनेशन आएगा या नहीं आएगा। वो 15 मिनट आपका डिसाइड करेगा कि कैसे होगा आपका एग्जाम। उससे पहले और एक बात आपको बता देता हूँ, जब आप एग्जाम हॉल को एंटर करेंगे तो वहां पे आप कुछ भी बुक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप जो भी पढ़ेंगे उस टाइम में दूसरा स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, आप उसका टेंशन मत लीजिए, उनको पढ़ने दीजिए, क्योंकि आप जो भी उस टाइम में पढ़ेंगे वही चीज आपके दिमाग में रहेगा, और जो भी आप घर में पढ़े थे या पहले पढ़े थे वो सब कुछ भी याद नहीं रहेगा, ओनली जो भी पढ़े थे वो याद रहेगा, तो एग्जाम आपका खराब हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, उनको पढ़ने दीजिए। उसके बाद 15 मिनट को कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, तो आपके पास 2 अल्टरनेटिव। बहुत सारा स्टूडेंट का सबसे बड़ा डाउट होता है कि 15 मिनट में क्या करेंगे, क्योंकि 2-2 पेपर है एंड 2-2 MCQ है। अभी तो 1 MCQ 1 पेपर में हो जाएगा आपका, डायरेक्ट टैक्स के साथ आपका पेपर हो जाएगा फिलअप करने के लिए, बट 2-2 पेपर आपको फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम के लिए और एक MCQ के लिए। तो इसके लिए आपके पास 2 अल्टरनेटिव है 15 मिनट को यूटिलाइज करने के लिए। पहला है, आप आइदर क्या करेंगे, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन जो है, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए 15 मिनट में, एंड प्लस आप फिलअप कर लीजिए आपका जो आंसर शीट है, जो भी आपका नेम रोल नंबर वगैरह वगैरह जो भी है उसको फिलअप कर लीजिए, एंड लॉन्ग टाइम क्वेश्चन को चूज कर लीजिए, कौन सा क्वेश्चन मेरे को करना है, बोथ इनकम टैक्स एंड GST का, बोथ आप चूज कर लीजिए कौन सा लॉन्ग टाइम क्वेश्चन हमको करना है, एंड फिलअप कर लीजिए आपका क्वेश्चन जो आंसर शीट को फिलअप कर लीजिए। ये एक ऑल्टरनेटिव है। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, आप उस 15 मिनट में MCQ कुछ MCQ देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, उनका आंसर जो सिंपल आता है, पूरा तो आपका ऐसे हाई लेवल का नहीं आता है, कुछ सिंपल क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, उसको आप चूज कर सकते हैं, वो 15 मिनट से 10 मिनट में आप चूज कर सकते हैं, एंड उसके साथ आप फिलअप कर सकते हैं आंसर शीट को आपको फिलअप करना है, एंड क्वेश्चन को अगर आप लॉन्ग टाइम चूज करते हैं तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, अगर आप MCQ पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे भी MCQ को भी सॉल्व कर सकते हैं 10 मिनट में। लगभग अगर आप 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे ना तो वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। उसके बाद और जो 2 घंटा 45 मिनट वो तो बात का चीज है, बट उसके बाद MCQ। बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरी रहता है कि सर MCQ पहले सॉल्व करेंगे या बाद में सॉल्व करेंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए भी 2-2 अल्टरनेटिव है। अगर आप फास्ट सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि एंड में रहेंगे तो छूट जाएगा, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं MCQ। तो आप पहले भी MCQ सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां पे पहले 30 मिनट में जो भी क्वेश्चन आता है MCQ का उसको सॉल्व कर लीजिए, जितना भी आता है 30 मिनट में सॉल्व कर लीजिए, तो आपका जो MCQ आता है इनकम टैक्स का, खास करके इनकम टैक्स का MCQ आता है उसको छोड़ दीजिए, बाद में करना है, क्योंकि अगर आप उसको पहले अटेम्प्ट करते हैं तो वो आपका टाइम सब ले जाएगा, इसीलिए इसको आप बाद में सॉल्व करना है एंड को, बट उसको छोड़कर GST का MCQ बेस्ड जो केस स्टडी बेस्ड MCQ उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बट MCQ ऑफ इनकम टैक्स उसको जो पहला क्वेश्चन है उसको मत छेड़ना है आपको।
बाद में उसको छेड़ना है। उसी हिसाब से आपका जो क्वेश्चन आता है इनकम टैक्स का पहला क्वेश्चन उसको भी बाद में करना है, पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन है लॉन्ग टाइम उसको सॉल्व करना है। अगर आप एंड में चूज करना चाहते हो एमसीक्यू अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वहां पे पहले दो घंटा जब खत्म होगा एक घंटा पहले आपको एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आधा घंटे में ये खत्म नहीं होगा एमसीक्यू। जीएसटी प्लस इनकम टैक्स का आधा घंटे में कंप्लीट नहीं होगा, इसके लिए आप अगर एंड में चूज करते हैं एमसीक्यू करने के लिए तो दो घंटा जब खत्म होगा तो वहां पे आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के लिए शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर आप आधे घंटे रखेंगे आधे घंटे में कंप्लीट नहीं होगा। 45 मिनट में बोलते हैं बट जब अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं तो वहां पे आधा घंटा हो जाता है, इसलिए आप एक घंटे से पहले आपको करना पड़ेगा एमसीक्यू तो आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जब हम एंड में एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा दिमाग ऑलरेडी खुल गया होगा, प्रोविजन ऑलरेडी हमारा हो गया होगा, इसलिए एंड में करने से थोड़ा आपके लिए अच्छा होता है बट टाइम उतना होना चाहिए, इसलिए एक घंटा पहले आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर टाइम बचेगा ठीक है तो लॉन्ग टाइम आपका सॉल्व कर लेते हैं। एंड यहाँ पे अगर 15 मिनट में आप एमसीक्यू चूज करना चाहते हो तो इसके लिए आपके लिए अच्छा होगा पहले 30 मिनट आप एमसीक्यू चूज कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू में ऑलरेडी आप है तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप पहले लॉन्ग टाइम चूज करना चाहते हो पढ़ना चाहते हो तो पहले आप लॉन्ग टाइम खत्म करिए, एंड को आप रख लीजिए एक घंटा के लिए आपका एमसीक्यू को खत्म करने। तो मैं इतना ही बोलूंगा, ये जो स्ट्रैटेजी को आप अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करिए तो आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा एंड आपको एग्जामिनेशन से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप 100 मार्क अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और एक चीज मैं बता देता हूँ लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका हाथ में होना चाहिए 1.7 और क्वेश्चन को आपको 1.7 टाइम देना है, 1.7 मिनट देना है एक क्वेश्चन को एक मार्क का क्वेश्चन को आपको 1.7 मिनट देना है मैक्स टू मैक्स, क्योंकि आपको मिलता है 180 मिनट मिलता है 3 आवर ठीक है, उसमें से आपका 15 मिनट वो तो बाद वाला का है उसको छोड़ दीजिए, 10 मिनट छोड़ दीजिए क्योंकि एंड को 10 मिनट रखिए, कौन सा क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग सकता है, इसीलिए आप 170 मिनट है आपके पास 3 घंटे में। एंड आपके लिए सॉल्व करना है कितना क्वेश्चन है 100 मार्क सॉल्व करना है, इसके लिए एक क्वेश्चन को आपको मिलेगा 1.7 मिनट, एक क्वेश्चन को 1.7 मिनट मिलेगा एंड 1 मार्क का क्वेश्चन। इसी हिसाब से आपको जितना मार्क का क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से आपको इतना ही टाइम अलर्ट करना पड़ेगा मैक्सिमम, जब वो टाइम हो जाएगा वो क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन होना है ना वो हो जाएगा वही टाइम के बीच, अगर वो क्वेश्चन डाउट हो जाता है तो ज्यादा टाइम लग जाएगा और आपका पूरा ही एग्जाम खराब हो जाएगा। इसके लिए दो क्वेश्चन फॉर एग्जाम 4 मार्क का आता है तो उसको इतना टाइम आप अलॉट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1.7 मिनट है उसी हिसाब से आप उसको टाइम अलॉट करेंगे, तो इतना मिनट आप देंगे एक 4 मार्क का क्वेश्चन के लिए आप लगभग 6.8 मिनट देंगे, 6.8 मिनट मैक्स टू मैक्स 7 मिनट देंगे 4 मार्क का क्वेश्चन के लिए, अगर इससे ज्यादा देंगे तो आपका क्वेश्चन रुक जाएगा और टाइम भी नहीं होगा, और जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा उस क्वेश्चन को छोड़िए आगे चलिए मूव ऑन करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं है ओनली क्वेश्चन नहीं है और भी क्वेश्चन है आगे जो आपको पास करा सकता है एंड एग्जाम तक ला सकता है ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को।